देखिए, सिग्नेचर एनालिसिस वैसे तो अपने आप में एक अलग से फील्ड है, मगर अगर न्यूमरोलॉजी में आप बात करो तो न्यूमरोलॉजी में हम ये कोशिश करते हैं कि सिग्नेचर को स्पष्ट किया जाए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। जैसे हम आप अपना नाम लिखते हैं, थोड़ा स्टाइल ले सकते हैं उसमें, और कुछ मूलभूत बातों का, कुछ बेसिक गाइडलाइंस का ध्यान रखना है आपको, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी होती है सिग्नेचर की, वो आपका रिलेट करता है न्यूमरोलॉजी के साथ। अदरवाइज तो आपका जो सिग्नेचर एनालिसिस पार्ट है वो एक अपने आप में डिफरेंट फील्ड है। देखिए, हर आदमी के ना सिग्नेचर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं वर्ल्ड। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लें, मगर आज की जो AI बेस्ड मशीन्स हैं वो आपको हमेशा पकड़ लेंगी जब भी आप किसी और के सिग्नेचर करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी और के सिग्नेचर आप एग्जैक्टली कॉपी कर पाए। हमारा जो ब्रेन है वो जिस तरह से वायर्ड है, उसमें जिस तरह के साइनोप्सिस डेवलप हुए हैं, है ना, न्यूरॉन्स की जो ट्रेनिंग हुई है ब्रेन में, जो न्यूरल पाथ बने हैं, उसके हिसाब से वो ही हमारे सिग्नेचर हैं। तो वो सिग्नेचर बिल्कुल यूनिक होते हैं हर किसी के। और एक जो इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी है कि मैं अपने ऑफिस में भी, बाकी जगह भी, लोगों के सिग्नेचर नॉर्मली स्टडी करता रहता हूँ, और एग्जैक्टली आपके सिग्नेचर ना आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और आदमी अपने सिग्नेचर करके अपने दिमाग के बारे में बहुत सारी चीजें बता देता है, प्रोवाइडेड कि आपको पता हो, आपको रीड करना आता हो। और मैंने ये भी देखा है कि लोगों के ना मेंटल कंडीशंस के साथ साथ उनके सिग्नेचर से बदलते रहते हैं। कोशिश करते हैं ये जानने की कि कैसे हम अपने ब्रेन को, अपने हाथ को ट्रेन कर सकते हैं सिग्नेचर्स को सही करेक्शन, अगर रिक्वायर्ड है पैटर्न में, तो कैसे कर सकते हैं ठीक। सिग्नेचर शुड गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, इंक्लाइंड अल्फाबेट्स ऑफ योर नेम अपवर्ड फ्रॉम 15 डिग्री टू 45 डिग्री। तो सिग्नेचर्स को कोशिश करें कि हमेशा ना जब आप उसे आगे की तरफ लेके जाएं तो अपवर्ड लेके जाएं उसको, और वो स्लोप कितना होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए 15 डिग्री टू 45 डिग्री, 20 डिग्रीज आइडिया। तो ऊपर की तरफ जाने चाहिए सिग्नेचर कभी आपके ना, जब कागज पे जो लाइन है, जो पेपर पे लाइन है, उस पे नीचे की तरफ नहीं आने चाहिए। पैरेलल हो चल जाएगा, मगर वो ऊपर की तरफ अगर है तो वो आपके सबकॉन्शियस की, आपके ब्रेन की प्रोग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स को दिखाते हैं, एक आगे बढ़ने की, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जो एक मेंटेलिटी होती है, एक साइकोलॉजी होती है, उसको दिखाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमारी उस तरह की मेंटेलिटी नहीं है और हम आगे नहीं बढ़ना चाहते और सिग्नेचर वैसा करने लगते हैं, तो क्या उससे हमारा ब्रेन रिवायर होता है? हाँ, होता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि ढोंग करने से ढंग आ जाता है। तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सिग्नेचर ऊपर की तरफ करने शुरू किए और आप 108 टाइम डेली वो सिग्नेचर कर रहे हो ऐसे ही, तो आपके जो ब्रेन की जो साइनोप्सिस का कॉन्फिग्रेशन है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। और चेंज होना शुरू होके फिर क्या होता है कि आप प्रोग्रेसिव होने लगते हैं। तो सिग्नेचर अगर आपने ठीक कर लिए तो आपका जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ऊपर की तरफ लेके चलना है, जैसे एक जो एरोप्लेन है वो टेक ऑफ करता है। देन देयर शुड बी अ बेस लाइन अंडर द सिग्नेचर, एंड दिस बेस लाइन शुड नॉट कट एनी अल्फाबेट। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि वो सिग्नेचर बहुत अच्छे करते हैं और
और सिग्नेचर अच्छे करके वो जो है बीच में जो उसको जी है या क्यू है या एफ है उसको कट कर देते हैं बेस लाइन से। दिस शुड नॉट बी, शुड नेवर बी कट। इसको कभी कट नहीं करेंगे आप। वो कट करने का मतलब ये होता है कि अमिडस्ट कहीं ना कहीं आप अपनी बात को खुद को ही काटने लगते हैं। कभी भी सिग्नेचर को नहीं काटना चाहिए। तो अगर आपकी जी या आपका क्यू या आपका एफ वो सारे के सारे अल्फाबेट्स जो नीचे की तरफ ओरिएंटेड होते हैं अगर वो आ रहे हैं तो लाइन उसके आगे से खींचे बेस लाइन, मगर कभी भी उसको कट ना करें। सिग्नेचर शुड बी नीट एंड क्लीन एंड शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। अगर किसी आदमी के सिग्नेचर आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे हैं तो ये निश्चित मानिए कि वो किसी ना किसी लेवल पे, मेंटल लेवल पे वो आदमी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है। उसकी प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप है जो बार 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 उसको परेशान करता है बीच में। तो सिग्नेचर शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। ऐसा नहीं है कि आप अगर नीट एंड क्लीन सिग्नेचर करोगे तो लोग आपको छोटा बच्चा समझ लेंगे या आप कोई बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट या बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट या अफसर नहीं हो। सिग्नेचर जितने सिंपल होंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के उतने क्लैरिटी को, उसमें इसका मतलब भूस नहीं भरा हुआ है उसके अंदर जो है आपके जबरदस्ती के थॉट्स, और जैसे कि आपका एक जंक यार्ड होता है वो सफाई होती है जब आपके सिग्नेचर्स जो हैं आप उनको नीट एंड क्लीन करते हो। तो इट शुड बी क्लीन एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल करिए जैसे आप अपना नाम लिखते हैं। द फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल एंड बिग एंड रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स शुड बी इन रनिंग लेटर। कोशिश करें कि जो पहला अल्फाबेट है उसको थोड़ा बड़ा बनाए, यू नो 150% तक बड़ा बना सकते हो आप उसको, और बाकी के जो सिग्नेचर्स हैं वो आपके रनिंग लेटर्स में होने चाहिए। ऐसे एस बड़ा बनाया फिर आपने उसको रनिंग लेटर में अपवर्ड इंक्लिनेशन में सीधा सीधा बना दिया। ड्रॉ अ लाइन बिलो सिग्नेचर एज इट सर्व एज द प्लेटफॉर्म और सपोर्ट। जो लोग सिग्नेचर के नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं ये बहुत ही अच्छी आदत है, और ये आपको लाइन हमेशा ड्रॉ करनी चाहिए, आदत बनानी चाहिए। हाँ, इसके बाद में जो डॉट लगाते हैं लोग वो डॉट कभी नहीं लगाना चाहिए। डो नॉट गिव स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ज्यादातर ये लोग करते हैं कि जब भी वो अपने सिग्नेचर करते हैं तो बीच में ना लेटर्स के स्पेस देते हैं, खासतौर से जो अपने जो पहला लेटर जो बिग बनाया है उसके बाद काफी लोग स्पेस देते हैं। याद रखें कि सिग्नेचर करने के टाइम में सारे लेटर्स कनेक्टेड होने, जहां बीच में गैप आया वो गैप आपके न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग में भी आएगा। तो गैप स्पेस नहीं देना है बिल्कुल। अगर आप पूरा नाम भी लिख रहे हो दीपक कुमार डी बड़ा बना के, तो डी के और के दीपक के और कुमार के में फिर भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इट शुड बी वेल कनेक्टेड। तो याद रखें सिग्नेचर्स में स्पेस नहीं देना। लाइन शुड नॉट डाउनवर्ड एंड मस्ट बी पैरेलल टू सिग्नेचर विदाउट टिंग नेम। जो आपने नीचे इसके नीचे एक बेस लाइन ड्रॉ की है सिग्नेचर के नीचे जो सिग्नेचर के पैरेलल होनी चाहिए और ये नीचे की साइड में नहीं आनी चाहिए, ये आपके अगेन जो सपोर्ट लाइन है पहले भी बात की थी हमने कि आपके सिग्नेचर को ये कट ना करे। अभी भी वही बात कही जा रही है इसमें। कटिंग अक्रॉस नेम इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो सिग्नेचर करेंगे और ऐसे करके काट देंगे, काट के और लाइन ऐसे आगे बढ़ा देंगे। ये वो लोग हैं जो एक कॉन्फ्लिक्ट मेंटेलिटी के शिकार होते हैं। मैंने एक नहीं हजारों एग्जाम्पल देखे हैं। जो लोग अपने सिग्नेचर को कट करते हैं खासतौर से पहले लेटर को बना के कट करेंगे तो वो अपनी ही बात अपने सबकॉन्शियस में कहीं काटने लगते हैं। या मैंने ऐसे लोगों को देखा कि उनका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता, वो अपनी बात क्लैरिटी के साथ किसी को समझा नहीं पाते हैं, और ऐसे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने सिग्नेचर्स को चेंज करें तो उसके बाद उनके लाइफ में चेंज आएगा। कटिंग अक्रॉस द नेम इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ध्यान रखें वी शुड नॉट एंड द सिग्नेचर बैकवर्ड। ये भी बड़ी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है कि सिग्नेचर आगे जाएंगे और फिर बिल्कुल लास्ट में जाके फिर वापस आएंगे और फिर एक बड़ा सा लेटर बना देंगे। ये भी कभी नहीं करना है। इनकी लाइफ में बड़े सेटबैक्स होते हैं। ये ऐसे लोग
एक मुकाम पे पहुंचते हैं, एक जगह पहुंचते हैं, फिर गिर जाते हैं, गिर के फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, चाहे बिजनेस है, चाहे इनका अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है लोग, या कहीं पे एम्प्लॉयमेंट है, तो ये लोगों के साथ में सेटबैक लाइफ में होते रहते हैं। कोशिश करें, अगर आपने ऐसा सिग्नेचर करने का बहुत दिन से आपका जो है रूटीन है, तो प्रैक्टिस करेंगे वापस ना आके सीधे सीधे आगे जाने की, और 108 टाइम्स डेली सिग्नेचर को मॉर्निंग में ग्रीन पेन से आपको करना है, एक नई कॉपी पे डेली करना है। अगर आपको 108 टाइम ज्यादा पड़ता है तो आप 51 टाइम्स भी कर सकते हो। कोशिश करें अनटिल अनलेस इट इज नॉट मैंडेटरी ब्लैक इंक से ना करें, अगर आपको अलाउड है तो ग्रीन से कर सकते हैं, नहीं अलाउड है तो ब्लू से कर सकते हैं, ब्लैक से भी कर सकते हैं सिग्नेचर, मगर व्हेन इट इज मैंडेटरी फ्रॉम द साइड ऑफ एजेंसी जिसके लिए आप सिग्नेचर कर रहे हो, तभी आप ब्लैक से करें। ठीक है, तो ये सिग्नेचर जो अभी हमने बात की एनालिसिस के बारे में, फिर इसके बाद मोबाइल फोन पे जाएंगे, इस पे कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हो। सर, ये जो हमने सिग्नेचर जब करते हैं तो जरूरी है कि अल्फाबेट क्लियरली लिखा जाए? नहीं जरूरी नहीं है, मगर आप फिर जो है वो क्लैरिटी आपके सबकॉन्शियस में रहेगी नहीं। ये देखा गया है कि जब हम क्लैरिटी के साथ सिग्नेचर करते हैं तो जो चैम्बर है हमारे ब्रेन का जिसे चित्त कहते हैं, उसमें क्लैरिटी बढ़ी आती है। सर सर थैंक यू सर। सर हेलो। हाँ 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 जी, बताइए, कामना हाँ जी में सर, हाँ जी सर, इनिशियल्स का कैसे होता है? जब इनिशियल्स आप लेते हो, एक तो फुल हो गया। नहीं, इनिशियल अगर करना है ना तो आप अपना अपने सरनेम को ना दोनों को लिख दो बस। अच्छा जी, सर नेम दोनों को रख दे, ठीक है जी। हाँ ऐसे, मतलब अगर उसको ना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव या कटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है अगर जी, पहला लेटर सर ठीक स्मॉल है, से थैंक शुरू यू कर दिया सर। तो क्या होगा? आप स्मॉल तो कर स्मॉल से आप कर सकते हो, बट उसका साइज है ना बड़ा होना चाहिए। अगर आप स्मॉल ए भी बना रहे हो तो द साइज शुड बी अबाउट डबल, या कम से कम जो है डबल ना हो, 1.5 गुना तो होना चाहिए बाकी रनिंग लेटर का। सर, हाँ मैं प्राची प्राची बता। बात कर रही हूँ। हाँ जी ये मेरा, मैं तो पूरा नाम लिखती हूँ, प्राची खलगुप्तर, लेकिन जी जो है वो नीचे जाता है तो बेस लाइन से कट होता है, तो उसको फिर जी यूटी के आर को मतलब अंडरलाइन करना है फिर, या फिर स्टार्टिंग से अंडरलाइन करके जी को छोड़ के आगे अंडरलाइन करे तो चलेगा? कैसे करना नहीं है? नहीं आप जी के आगे लाइन खींचिए। पर्पज जो लाइन का है वो ये है कि वो सिग्नेचर आपके लाइन से एक अल्फाबेट आगे जानी चाहिए, जो ये बताती है कि ओके, आपका जो ब्रेन है प्रोग्रेसिव रास्ते पे चल रहा है, एक सपोर्ट के साथ चल रहा है। तो आप जी के आगे लाइन खींचे, बीच में लाइन को जी के चक्कर में ना हटाए नहीं, वो अगर आपको ज्यादा सिग्नेचर करने हुए तो वहां पे दिक्कत करेंगे।